नहीं, आरी थी, अब यह रिकॉर्ड करने लगा। दूसरा नहीं, दूसरा तो हाथ ना जाने पाए। बंदर को खिलाएंगे ना, बच्चा मारा जिसकी पेट मूंद लेंगे तो वहीं अपना इसको ऐसे उसी को पर दिखाइएगा। और बीच में देखिए इसके अंदर हाथ ना लगे, इस बटन में हाथ ना लगे, इसको जब एक बार दो बार दाब दीजिएगा कि फोटो भी खींच लेगा, लेकिन ये इसमें हाथ नहीं डालना। देखे हाँ बस ठीक है, इसमें फोटो खींचना है। हाँ हाँ, लेकिन दूसरा हाथ ना लगाइएगा, नहीं दूसरा अक्सर लेंस में उंगली लग जाती है, कैसे दिखाते रहे। धीरे धीरे तो वो भोजन को जरा बाहर निकलवा करके ये बाबा खड़े हैं, इनका खींच ले, खड़े हो गए। मिल रहा है, मिल रहा है, हल्ला नहीं। अभी बच्चा मारा है, तुम भी मरोगी क्या? ओ मैंग हिम हिम्मत राम के काय नमा, ओ मैंग हिम हिम्मत राम के काय नमा, उधर आवाज़ आओ, हटो हटो हटो, ओ मैंग हिम हिम्मत राम के काय नमा, ओ मैंग हिम हिम्मत राम के काय नमा, जल्दी काम करो, हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी हो सके, ओ मैंग हिम हिम्मत राम के काय नमा। हटाए छोटा बटन दाबिएगा, एक बार दाब दीजिएगा, लड़के जय बकरी हटाओ भाई, यहाँ पे करे पकड़े हुए हो दद्दा को, अरे दद्दा दद्दा ये हुआ है ये सेम हनुमान जी से जब बंदर से ढक जाए और वो जो हनुमान जी का मैं गवर्नमेंट जो हनुमान जी का मंत्र पढ़ा जाता है इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। ठीक, इधर देखाइए बंदरों नहीं हम बोलेंगे, इधर देखो, इधर देखिए बंदरों के ढक जाने पर जो हनुमान जी का मंत्र आदमी पढ़ता है उससे बड़ा कोई सिद्धि हनुमान जी की नहीं हो सकती। अभी आपने देखा आज की तारीख है 10 फरवरी 2013 भंवरेश्वर परिसर में, अब जो गेहूँ सुखू बाबू की तरफ से हम लाए हैं अब वो हम उसको अभी देंगे और हमारी जस साहिबा की ओर से भी पूरा दान हमने कर लिया है और ये काम तेज़ी से होता रहेगा और इससे बढ़ के कोई हनुमान जी की न पूजा है न कोई हवन है न कोई यज्ञ है और अगर कोई सिद्ध कर दे तो ज़्यादा तो नहीं उसको लाख दो लाख रुपया हम दिलवा देंगे, सिद्ध करना पड़ेगा, यही हनुमान जी की असली पूजा है।
तो वाणी को मैं विराम देने के पहले कैमरे को आप चलाते रहिए। या देखिए कितने झोले हमारे फट जाते हैं, देखा आपने कितने झोले फट जाते हैं, इसलिए अब झोले को हम अभी काफ़ी मजबूती से बनवाएंगे, हम इसके ऊपर तमाम नवाड़ लगवाएंगे। देखा आपने बहन जी, देखिए कितना मजबूत झोला रहा, तब इसके ऊपर इतनी मजबूती हमको करवानी पड़ेगी कि हद से जाता। इसलिए बंदर खिलाने में बहुत से झोले लगते हैं, अगर आपके यहाँ कोई मजबूत झोला हो तो आप इसी काम के लिए दे दिया करें। बंदर अगर किसी को काट रहा है, चलो चलो, कोई देख रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, चलो ये समझिए कि उसको गोहत्या का पाप लग गया। ये बंदर किसको काट रहा है, दूसरे बंदर को, उसको अगर आप दौड़ते नहीं हैं, आप उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो गोहत्या का पाप लगता है, नोट कर लीजिए, गोहत्या का पाप लगेगा। एक बंदर के ऊपर चार चार बंदर ना, उसकी रक्षा कीजिए आप। तो अब हम गेहूं निकालेंगे, अब गेहूं थोड़ा दूर दूर हम जाके बांटेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए सर्वे होने लगा, शिवरात्रि आने वाली है ना, तो धीरे धीरे अब सर्वे होगा, मेला लगा, बहुत बड़ा मेला, महीनों का मेला लगता है, आपने एक महीना चलता है। हाँ ठीक है, देखिए आर ई सी लिखा है ना, आर ई सी, हाँ लिखा है, चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे ही देखा, धीरे धीरे उधर सूरज की तरफ न जाए, हाँ ऐसे हो जाए, फिर एक बार एक राउंड धीरे धीरे लगा दीजिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे वहाँ, ठीक। अब बोरे को निकाले, हाँ बहन जी जाइए, मारो नहीं बेटा, मारो नहीं, मारो नहीं, मारो आराम से, थोड़ा सा ना उसको गिरा, मुंह गिरा लीजिए मुंह, हाँ बस ये काम ठीक है। तुम लोग बच्चों वहीं रहना, यहाँ मत आना, आप लोग यहीं रहिएगा। तो डर लगती है, हम अभ्यास हो गया हमको, तो मैं भी तो खिलाड़ी तीन चार साल से, मुझे नहीं अब डर नहीं लगती है, मेरे आस पास फिर भी घूम के रहते हैं। चलो उधर उधर चलो, आगे आगे आप, इधर इधर होते हैं।
बताओ तो लुंगी ना घास लगाए नहीं, लुंगी लुंगी लेके चले जाए। हाँ वही रहिए वही रहिए, अब तो खाने पीजिए ना भाई, आप कहा चल जाइए क्या आप कह रहे हैं कि पास लेना कोई बदला लगे पास लगाइए। हम लोग कभी आया, हम लोग कभी आ रहा ना, आ रहा हम लोग का भी लीजिए, उनका गाड़ी का भी ले लीजिए, बच्चे का ले लीजिए, पूरा ले करके खुद ही बोलते भी रहिए ना, इसी में आ रहा आ रहा, इसी में बोलते रहिए ना, आपको जो आता है वो। 10 फरवरी आज का दिन जो है माघ मास में, आज हम लोग यहाँ पर बानर भोज के लिए एकत्र हुए हैं। यहाँ पर हमारे गुरुदेव श्याम साधु जी बानर भोज करा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैं अजय गुप्ता, साथ में राकेश श्रीवास्तव जी, पार्थ श्रीवास्तव जी, साथ में मिश्रा जी, हमारे सारथी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बानर भोज में संलग्न है। मैं अपने बचाव के लिए कुछ तो भय रहता ही है, इसीलिए हाथ में ये डंडी पकड़े हुए, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझती हूँ। अभी आपने देखा बच्चा बंदर का वहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ, लेकिन उसको पलट के देखने की किसी में इतना हिम्मत है न साहस है। अभी उसका इलाज कराया जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे उसको किसी भी प्रकार से, अगर बच सका तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसको उसकी अंतिम क्रिया की जाएगी। थोड़ा बहुत बोलती भी जा रही हूँ, थोड़ा बहुत बोलती भी जा रही हूँ, साउंड आएगा। हाँ 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 हवन हवन, इससे बड़ा कोई हवन है? लाखों रुपए लोग फूंकते हैं हवन में, क्या फायदा उससे? कोई देवी देवता मिला, कोई सामने आया, क्या अंधविश्वास अंधेरे में ढेला फेंके दे रहे हैं, खर्च कर। अरे बाबा, उसका रिजल्ट सामने आ गया, इस हवन को देखने के बाद कितनी आत्मा को शांति मिलती, कितनी आत्मा को शांति मिलती। भैया हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, कोई बंदर एक दूसरे को काटे तब उसको आज जाके हवन 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 पूजा है, यही पूजा है। अरे इससे बड़ा कोई हवन है? कोई इससे बड़ा हवन नहीं। तत्काल अपना प्रभाव दिखाएगा, 3 महीने 6 महीने 9 महीने के अंदर अंदर करके तो देखो कितने लोगों, देवराहा बाबा जो इतने महासंत हुए हैं, ये उनका फार्मूला है, ऐसा नहीं होता है। और इस भोज में हमारे एक मिश्रा जी हैं, नाम क्या है आपका? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा, गांव का नाम क्या है? इस्माइल मऊ है, इस्माइल मऊ, इस्माइल मऊ मऊ, ये बेला टेकाई के बगल में है, बेला टेकाई के बगल में, रायबरेली जनपद में बेला टेकाई, उत्तर पारा के पास में बेला टेकाई के बगल में। जहाँ जहाँ जाए वहाँ है, हटो हटो हटो, अरे क्या आप धंधा करके खड़ी हैं? अरे एक दूसरे को खा रहे हैं, उनको भैया मारो साथ, हमको गेहूँ में खिलाना हो जिनके हम हड्डी को इतनी जोर से मारेंगे दोबारा काटने भूल जाए। तो हमारे मिश्रा जी गाड़ी लेके आए हुए हैं, आशीष मिश्रा जी, उनका बड़ा भारी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, और हमारे साथ में आद्या, श्रीमती आद्या गुप्ता सिविल जज आई हुई हैं, उधर दिखाइए जब हाथ करें, हाँ, तो इनका भी भारी सहयोग मिल रहा है। और इनके साथ में अभी लखनऊ भी जाना है, कोई वहाँ हवन वगैरह हो रहा है तो हमको दुनिया से कहनी कि इससे बड़ा कोई हवन हो, हमें सिद्ध करो, लाखों का इनाम पाओ, लेकिन सिद्ध करो। क्यों तकिया नूसी में भाग रहे हैं? कौन हवन, कौन भगवान? यह हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपने हनुमान जी की पूजा किया और बंदर को कुछ नहीं दिया तो आपने हनुमान जी को क्या दिया? जब तक आप, ये लेन देन का संसार है, आप देंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। नोट कर लिया है, मारो 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 मारो,
यही यही सबसे हरामी वाला है, बहुत बदतमीज बन रहा है। हां नहीं बदतमीज है, लाओ एक फल डंडा जाओ, लाओ लाओ हम खंता लाओ। थोड़ा सा माल जो है वो वहाँ थोड़ा माल मंदिर में दे देंगे, खड़े खड़े दर्शन करेंगे चल के। यहाँ के मिश्रा जी स्वयं भू शंकर जी हैं, हजारों साल पहले ये अपने आप निकले थे, इनको स्थापना नहीं की गई। 2 महीने का यहाँ मेला लगता है, आधा लखनऊ आधा रायबरेली यहाँ आता है। तो आपने बंदरों का नज़ारा देखा, तो ये होता है कुल मिला के। तो अब मंदिर की ओर हम लोग चल रहे हैं, वाणी को मैं विराम दूंगा। आज की तारीख है 10 फरवरी 2013। जय श्री राम, जय श्री राम।